भाई कहीं छुपने की जगह है कि यार नहीं है भाई, क्या बवाल घर है भाई। हे गाइज वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं ड्रीड द हॉरर गेम। अब इस हॉरर गेम के अंदर हमारा जो कैरेक्टर होता है ना, वो एक नए घर में शिफ्ट करता है और उस घर में उसको अजीब अजीब सी चीजें देखने को मिलती है। तो हम लोग भी यही देखने वाले हैं कि भाई उस बंदे को क्या देखने को मिलता है। तो चलते हैं हम लोग इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बता रखी है, बट हमको ये नहीं पढ़नी क्योंकि मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं गेम के अंदर। ओके, तो हर गेम की तरह हमारे कैरेक्टर ने भी भाई नशे किए हुए हैं। इसको उठने में टाइम लग रहा है भाई। यार क्यों नशा करके सोते हो यार, जब तुम उठ नहीं पाते। और ये आवाज कहाँ से आई भाई, बहुत तेज एक आवाज आई मेरे को, कोई चिल्ला रहा है जैसे कि आई नीड टू चेक द बेसमेंट। ओके, तो गाइस हमको बेसमेंट में जाकर चेक करना है कि आवाज कहाँ से आई थी। और भाई साहब बारिश हो रही है कि भाई बाढ़ आ रही है पूरी। फिलहाल अभी हम लोगों को क्या करना है, हमको जाकर चेक करना है ना बेसमेंट के अंदर। ओके, यहाँ पे ड्रॉर्स दे रखे बट इसमें कुछ रखा तो है नहीं। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर, यहाँ से इस रूम को ओपन करते हैं। ओके, ओ भाई साहब घर तो काफ़ी मलूक है यार, भूत का मतलब भूत का नहीं है घर तो, खैर घर हमारा ही है। बट यार घर काफ़ी साफ सुथरा है, अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में। बाकी और किसी हॉरर गेम के अंदर भाई घर इतने गंदे गंदे होते हैं ना भाई, क्या ही बताऊँ मैं। ओहो गिटार, यार मैं बजा सकता हूँ इसको? नहीं यार मैं बजा नहीं सकता। आई थिंक भूत लोगों का शौक है गिटार बजाने का, इसलिए उसने गिटार रखा हुआ अपने घर में। यहाँ पर ये वाला रूम देखते हैं, इसके पीछे क्या है, यहाँ पर एक बाथरूम है छोटा सा। ओके भाई साहब ये कैसी भाई फ्लोर है भाई, ये इतना क्रैकिंग कर रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई। ओके, यहाँ पर एक और बेडरूम भाई, यहाँ पर एक बंदा रहता है और उसके लिए इतने सारे बेडरूम दे रखे हैं, मतलब क्या नशे हैं भाई ये। ओके, यहाँ पर टीवी वगैरह रखा हुआ है। बट यार भूत कहाँ है, भूत दिखाओ ना मेरे को। एक घर है कि पूरा भूल भुलैया है भाई, यहाँ से निकल जा रहा हूँ वहाँ से निकल रहा हूँ कुछ भी चल रहा है भाई। यहाँ पर ये ड्रॉर्स है क्या? नहीं, यहाँ पर इतना अंधेरा है भाई। बिजली का बिल भर लिया कर, कभी बिजली का बिल भी नहीं भरता भाई ये बंदा। ओके, इन ड्रॉर्स के अंदर भी हमेशा की तरह कुछ भी नहीं रखा हुआ। मेरे को पता है यार ये ड्रॉर्स वगैरह में तो कुछ मिलता ही नहीं भाई, हमको बस पागल बनाने के रखा होता है। ओके, यहाँ पर मैंने देख लिया, यहाँ पे हमको और कुछ नहीं देखना है। पर ये वाला रूम जो है ये वाला देखते हैं, दिस डोर इज क्लोज्ड। ओके, तो अभी हम लोगों को ये दरवाजा खोलना पड़ेगा और इसके लिए आई थिंक मेरे को की वगैरह लगेगा, तो मेरे को कीज वगैरह ढूंढ के लानी पड़ेगी। तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे चल के देखते हैं, ये आई थिंक मेन डोर है घर का। इसको हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना तो हम लोग खोल पा रहे ना ही कुछ कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं इस साइड, यहाँ पर एक और गिटार रखा हुआ भाई, क्या करता है दो दो गिटार से, एक बार में दो गिटार बजाता है क्या? ओ भाई साहब यहाँ पर कुछ है, ये क्या चीज है? ओ यहाँ पर कुछ है, ओ बकेट ऑफ वाटर टू पुट आउट द फायर। ओके, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है जिसको निकालने के लिए हमको वाटर बकेट लगेगा। ओके, वाटर बकेट लानी पड़ेगी मेरे को, मतलब हाँ। तो वाटर बकेट कहाँ मिलेगी भाई मेरे को? मेरे को वाटर बकेट मिल सकती है किचन या फिर बाथरूम वगैरह में, है ना। ओके, मैं किचन के अंदर आ गया भाई। पहली बार किसी हॉरर गेम के अंदर ना मेरे को किचन इतना साफ सुथरा देखने को मिल रहा है ना, मैं कुछ बता नहीं सकता भाई, कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। ओके, यहाँ पर कुछ झूठी प्लेटें रखी है भाई, ये प्लेट भी नहीं धोता है बंदा। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस घर को। बाप रे भाई, क्रैकिंग जो हो रही है ना मेरा दिमाग खराब कर रही है भाई साहब। कौन सी कंपनी के मैंने जूते पहने हुए हैं भाई, इतने खतरनाक फुट स्टेप आ रहे हैं भाई, मेरी फट गई इन्हें देखकर। ओके, यहाँ पर ये क्या चीज है भाई, चमक तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कौन सी हीरे की अंगूठी है, लेकिन यार निकाल नहीं पा रहे हम लोग। और ये बता भी तो नहीं रहा ना कि हमको क्या करना है उसको निकालने के लिए। ओके, यहाँ पर कुर्सी रखी हुई है दादाजी की, और यहाँ पर इन ड्रॉर्स के अंदर भी कुछ भी नहीं रखा हुआ भाई साहब। इतना बड़ा घर खरीद रखा है, अकेला रहता है यार बंदा, क्या है ये। मेरे को बेसमेंट चेक करना था ना, ओ मेरे को और नीचे जाना है, मतलब अब भी मेरे को और नीचे जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और नीचे जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा मेरे को? बेसमेंट में जाना है ना मेरे को। ओ बाप रे, कैसी आवाज आ रही है यार, ये फ्लोर भाई ऐसा है यार, इससे आवाज आती है बहुत खतरनाक वाली। इसको ओपन करते हैं इस बार। ओ ये रहा रास्ता मिल गया मेरे को। ओके, यहाँ से नीचे चलना है हम लोगों को। ओके, मैं आ गया नीचे। और यहाँ पर तो भाई ये क्या जेल वेल है क्या भाई बेसमेंट में? The key might be somewhere on the third floor. अबे पागल, तो बेसमेंट में आने के लिए क्यों बोला था, पहले की ले लेता यार। क्या दिमाग है यार इसका भाई, पहले कहता है कि बेसमेंट में जाके चेक करना है और अब कह रहा है कि थर्ड फ्लोर पे जाके मेरे को कीज लेके आनी है भाई। अजीब पागल इंसान है यार, अब मेरे को थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ेगा भाई। कहाँ पे गए स्टेयर्स यार? एक तो मैं इन हॉरर गेम्स में यही प्रॉब्लम भाई, इतना बड़ा घर होता है ना, स्टेयर्स ही नहीं मिलते। यहाँ से हम लोग ऊपर चलते हैं, हमको थर्ड फ्लोर पे जाना है ना, तो अभी यहाँ से ऊपर जाने के लिए और रास्ता कहाँ पर है? ओके, मेरे को और ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स तो मिल गया, अभी मेरे को यहाँ से ऊपर जाना है और चेक करना है कि हमको कीज कहाँ मिलने वाली हैं, कीज ढूंढनी हमको। ठीक है, तो यहाँ पर इसको खोलते हैं और हम लोग आ गए भाई एक रूम के अंदर। कीज कहाँ पर है भाई? यहाँ पर एक और गिटार भाई, ये बंदा क्या गिटार बनाता है क्या भाई? गिटार की फैक्ट्री है इसकी, तीन तीन गिटार रखे हुए हैं भाई इस बंदे ने। तो भैया कीज कहाँ रखी हुई है? यहाँ पर काफ़ी सारे रूम है, सब चेक करने पड़ेंगे मेरे को। ओ ये क्या चीज़ है?
एक हथौड़ा मिला मेरे को, आई थिंक क्या है भाई ये, मेरे को नहीं पता इसका यूज कहाँ पर है। दुनिया भर की क्रैकिंग हो रही है भाई, दुनिया भर की क्रैकिंग। ओ भाई साहब, एक और मेरे को किचन मिल गया, यहाँ पर दो दो तो किचन है। ओके ये देखो, ये किस चीज़ की है भाई, मेरे को मिली तो है बट पता नहीं किस चीज़ की है। आई थिंक यही बेसमेंट की है जो कि मेरे को अभी मिली है। एक बार चेक करते हैं भाई, बेसमेंट की होनी चाहिए की। चलते हैं यहाँ से नीचे, ये रहा बेसमेंट वाला रूम। और अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से नीचे, देखते हैं भाई क्या राज छुपे हुए बेसमेंट के अंदर। कहाँ से आवाज़ आई थी, बहुत खतरनाक सी, पता नहीं क्या कैसी आवाज़ थी वो। ओके मैं बेसमेंट में आ गया भाई, कौन है इधर? हेलो, कौन है भाई इधर? ओ ये क्या है? I need a hammer to break this lock. अबे है मेरे पास हैमर है, खोल इसको। अबे हैमर था तो सही। ओ आई थिंक इसने की उठाई होगी ना भाई, इसके पास जेब वगैरह नहीं, जेब में रख लेता की को, हैमर साथ लेके आ जाता, मेरे को वापस ऊपर जाना पड़ेगा। ये क्या चीज है? ओ आई नीड टू फाइंड पीसेस ऑफ दिस पेज। भाई क्या बवाल है ये, किसकी फोटो है यार ये का भूत। ओके अभी फेंक इसको, फेंक नीचे, फेंक हटा, हमको चीज नहीं चाहिए। और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, मेरे को एक और किसी चीज़ की तो मिली है भाई, पता नहीं। ओ ये हो सकता है उस वाले रूम के, वो जो ऊपर एक लॉक रूम था ना, आई थिंक उस रूम की हो सकती है, मेरे को जाकर देखना पड़ेगा। और ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग हैमर भी लेके आ जाएंगे। हेलो कौन है मेरे घर में? देखो विदाउट परमिशन किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं होती। मेरी फटकी हो रही है भाई, अरे मेरे को यार स्टेयर्स नहीं मिल रहे, कहाँ पर है स्टेयर्स? ओके इस साइड है, कोई तो है भाई, कोई तो है आस पास मेरे, कोई तो है भाई। नहीं यार प्लीज़ मेरे को बख्श दे भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा भाई। अरे यार घर तू ले लियो भाई, मेरे को नीचे ऐसा घर। ओके इस वाले रूम की आई थिंक की है ये, द डोर इज़ क्लोज्ड भाई, ये इसके लिए मेरे को की नहीं चाहिए। मेरे को पता नहीं किस रूम की मिली है, बट अभी मेरे को ऊपर से हैमर लेके आना पड़ेगा, है ना। ओ भाई साहब ये क्या बीमारी है भाई? ओ हेलो भाई, ये क्या चीज है? हेलो सर, आप मेरे घर में क्या कर रहे हो पहले तो मेरे को ये बताओ। भाई साहब ये बंदा है कि क्या बवाल है भाई, सूखी डंडी, ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ में से डंडी निकल गई हो और वो भाई चल रही है अब। कुछ भी भाई, कुछ भी चल रहा है। वो बंदा ऊपर घूम रहा है भाई, मेरे को छुपना पड़ेगा क्या? हेलो, मैं पुलिस को फोन नहीं कर सकता, मेरे घर में एक अजीब सा डंडी जैसे दिखने वाला बंदा घुस गया है जिसकी शक्ल बहुत ही अजीब है। वो यहाँ पर ही कुछ चमक रहा है। ओ आई थिंक मेरे को पेपर, ओ मेरे को उस बुक के पेज मिल गया, एक ही मिला है मेरे को, ऐसे ही चार ढूंढने हैं, मतलब तीन और ढूंढने हैं, मेरे को एक मिल गया है। जब से मैंने उस बुक को देखा उसके बाद से यहाँ पर गंदी गंदी साउंड्स आने स्टार्ट हो चुकी हैं, इसका मतलब उस बुक को उठाने के बाद वो बंदा मेरे घर में घुस गया। पता नहीं क्यों मेरे घर में घुस गया भाई, मेरे घर में ऐसा क्या है जो मेरे ही घर में घुसा है? यार किसी और के घर में चला जाता भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम थी यार? एक तो यार कौन सी कंपनी के तूने बूट्स पहने हुए पहले तो ये बता यार। ओके यार वो कभी भी आके भाग क्यों नहीं रहा भाई, भाग ले कमीने, भाग क्यों नहीं रहा यार ये? ओ हेलो भाई, भागने का क्या लेगा? ओ अब भाग रहा है, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चल जल्दी चल। ओके ओके आ रहा है क्या वो? आ भाई पीछे ही है वो तो, भाई क्या बीमारी है यार ये। ओ मैं भाग नहीं पा रहा, मैं पकड़ लिया इसने मेरे को। ओ भाई साहब, ओके कहाँ से हमारी गेम स्टार्ट हुई? बेसमेंट से। ओके हमारी गेम वापस से बेसमेंट से स्टार्ट होती है। हेलो भूत सर, एक तो आप हमारे घर में विदाउट परमिशन के घुस चुके हो, ऊपर से फुल दादागिरी दिखा रहे हो भाई, गलत बात है यार, ये क्या पड़ा हुआ है? ओके यहाँ पर मेरे को क्या मिला, मेरे को नहीं पता, एक बार देख लेते हैं यार। ओके मेरे को पास की है, ठीक है। एक तो मेरे को यार इसके लिए वाटर बकेट चाहिए जो कि मेरे को नहीं पता कि मेरे को कहाँ मिलने वाली है। ओ यार, ए यार पुलिस को फोन करना यार, तू क्या कर रहा है भाई? भूत पकड़ने वाले को बुला तू, साफ सी बात है, तांत्रिक को बुला ले तो घर में एक, वो भूत पकड़ के ले जाएगा यार। ओ यार वो लकड़ी कहाँ चला गया? ओए डंडी कहाँ पर है? ओ ये रहा भाई, चल कैसे रहा है भाई? तेरे को बीमारी है क्या? तेरे को चलना नहीं आता क्या? सही से चल ले यार, क्यों बेइज्जती करवा रहा है अपनी? ओके भागो, आ, 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 आ पकड़ लेगा मेरे को। नहीं यार मैं भाग भी तो नहीं पाता ना यार, क्या यार ये भाई, भाग ले यार, बॉर्नविटा पिया कर यार, भूतों से बचना है तो बॉर्नविटा पीना बहुत जरूरी है। सर प्लीज छोड़ दो मेरे को, सर प्लीज छोड़ दो यार मेरे को, यार क्या है यार बीमारी है, कहाँ से मेरे घर में घुस गया? अबे यार कोई भी ऐसी मेरे घर में घुस जाता, क्या चल क्या रहा है भाई मेरे घर में? घर है कि भाई पूरा वो है धर्मशाला, वो हर जगह यार मेरा पीछा कर रहा है, मैं इधर बस छुपा हूँ। आ गया, वहां पकड़ लिया मेरे को यार। ओके मैं वापस आ गया भाई साहब, यार बहुत बड़ा अजीब है, बहुत नौटंकी सा है यार। देखो चलता कैसे भाई, पूरे ऐसे अजीब तरीके से चलता है ना, मेरे को ये हैमर लेके आना है यार, मैं उससे ऊपर तो जा नहीं पा रहा भाई, हैमर कहाँ से लेके आऊँ? वो पहले आ जाता है यार मेरे को डराने के लिए। हेलो सर मैं वापस आ रहा हूँ, प्लीज़ यार दोस्ती कर लो मेरे से, हम दोनों मिलकर तबाही मचाएंगे। कहाँ पर है भाई ये बंदा? ओ भाई दरवाजे वरवाजे खुल रहे हैं भाई, ये घर में मेरी चोरी वोरी कर रहा है।
सरेआम चोरी हो रही है मेरे घर में, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा भाई, क्या है ये। यहाँ से मेरे को ऊपर जाना है और ऊपर से हैमर लेना है, ठीक है। यहीं कहीं है क्या वो? हेलो सर। ओ ये मेरे को एक और मिल गया, आई थिंक ये लास्ट है। ओ थ्री है ये, मेरे को एक और चाहिए, बस एक और चाहिए भाई। आई थिंक उसके बाद यार या तो वो भूत का दी एंड हो जाएगा या मेरा दी एंड होगा, पता नहीं। लेकिन यार यहाँ पर क्रैकिंग क्यों हो रही है यार, कितनी क्रैकिंग होती है भाई यार, उसको सुनाई भी देता है आई थिंक। वो मेरे पीछे इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसको सुनाई देता है। प्लीज़ यार इधर मत आ जाओ यार, कहीं छुपने की जगह नहीं है क्या? ओके उठा ले हैमर। यस मैंने हैमर उठा लिया। ओ देखो वो रहा, ओ भाई गया नीचे घूम रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा, ऊपर आ रहा, ऊपर आ रहा भाई, ऊपर आ रहा है वो। भागो भागो भागो, मेरे को छुपना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा। कहाँ छुपूँ कहाँ छुपूँ भाई, कहीं छुपने की जगह है कि यार? नहीं है भाई, क्या बवाल घर है भाई ये। भाई साहब